राजस्थान अपनी स्थापत्य कला में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक किले, दुर्ग आदि पाए जाते हैं, जिसमें से यह पता चलता है कि यहाँ पर शासकों को स्थापत्य कला में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए संपूर्ण दुनिया को राजस्थान आकर्षित करता है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर कला देखने के लिए आते हैं। कई सारे किले में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। यह बैराज नदी के किनारे बसा हुआ है और यह अपनी ऐतिहासिक भव्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह भारत के सभी किलों में से सबसे बड़ा माना जाता है। पहाड़ी पर बसा यह किला राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। तो आइए आपको बताते हैं इस किले के 10 रोचक तथ्य के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। नंबर एक, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल वह है चित्तौड़गढ़ का किला। यह भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर, परिधि 13 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 700 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। नंबर दो, ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले को 7वीं सदी के मौर्य द्वारा बनाया गया। यह अवधि के सिक्कों पर अंकित मौर्य शासक चित्रागंदा मौर्य के नाम पर इसका नाम पड़ा। एक समय में यह किला मेवाड़ की राजधानी था। इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज करने वाले गहलोत और सिसोदिया राजवंशों ने निवास स्थल के रूप में किया। यह शानदार किले पर सम्राट अकबर ने अपना आधिपत्य वर्ष 1568 में जमा लिया था। नंबर तीन, चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में लगभग 65 ऐतिहासिक निर्मित संरचनाएं हैं, जिनमें से 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर, 4 स्मारक और 22 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इस किले के 7 प्रवेश द्वार हैं, राम पोल, लक्ष्मण पोल, पंडल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। यानी कि इस किले के अंदर जाने के लिए इन 7 प्रवेश द्वारों से होकर जाना पड़ता है और फिर सूर्य पोल को भी पार करना होगा जो मुख्य द्वार है। नंबर 4, साथ ही पहाड़ की शिखा पर दुर्ग परिसर में कई जलाशय भी दुर्ग की विशेष बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहले इस किले पर 84 जल निकाय थे जो 50,000 सैनिकों को 4 साल तक पानी की आपूर्ति प्रदान कर सकते थे, जिनमें से केवल अब लगभग 22 बचे हैं। नंबर 5, इन सब आकर्षकों के अलावा सबसे खास यहाँ पर 2 पाषाणीय स्तंभ है, जिन्हें कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहा जाता है। यह 2 स्तंभ किले के और राजपूत वंश के गौरवशाली अतीत को दर्शाते हैं। अपनी खूबसूरती, स्थापत्य और ऊंचाई में से दोनों स्तंभ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। नंबर 6, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई महल व अन्य रचनाएं भी स्थापित है, जैसे कि पद्मनी महल, राणा गुंबा महल और फतेह प्रकाश महल आदि। क्या आप जानते हैं कि इस किले का सबसे खास और खूबसूरत हिस्सा राणा गुंबा महल है? महल के अंदर जीना रानी का महल, सुंदर शीर्ष गुंबद और छत्रिया, जीना रानी महल के पास गौमुख कुंड आदि खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र हैं। नंबर 7, इस किले को एक और खूबसूरत हिस्सा पद्मिनी महल है। यह महल किला परिसर के बीच में एक छोटे से सरोवर के निकट स्थित है, बहुत ही खूबसूरत है। एक अन्य ऐतिहासिक मंदिर जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, इसी महल के नज़दीक पद्मिनी महल का जनाना महल से निर्मित कक्षों से भरा हुआ है, जो काफ़ी अद्भुत है। नंबर 8, चित्तौड़गढ़ का किला और जौहर कुंड के लिए भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि जौहर प्रथा राजस्थान में काफ़ी प्रचलित थी। यह सती प्रथा की तरह ही, परंतु इसका उपयोग तब किया जाता जब कोई राजा किसी युद्ध में अपने शत्रु से हार जाता और अपने सम्मान को बचाने के लिए शत्रुओं के हाथ लगने की बजाय महल की स्त्रियां कुंड में अग्नि में खुद को न्योछावर कर देती थी। नंबर 9, चित्तौड़गढ़ किले के कई सारे मंदिर स्थापित हैं, जैसे कालिका मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, समिदेश्वरा मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और कुंभश्याम मंदिर आदि। किले के दक्षिण परिसर में कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है। यहाँ मीराबाई का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है। यह सब मंदिर अपने बारीकी नक्काशीदार कामों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नंबर 10, यह किला राजस्थान के शासक राजपूतों, उनके साहस, बड़प्पन,
शौर्य और त्याग का प्रतीक है। अगर इस किले को विहंगम दृश्य से देखा जाए तो यह कुछ कुछ मछली के आकार का लगता है। इसको चित्तौड़गढ़ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला अपनी स्थापत्य कला और खूब सारे पर्यटक स्थलों जैसे कि महल, जलाशय, स्तंभ, अरावली की हरी भरी पहाड़ियों का नज़ारा आदि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दूर से इस किले को देखने के लिए पर्यटन आते हैं। ये राजस्थान के एक महत्वपूर्ण धरोहर में से एक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर देवें। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।